नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैक क्लासेस पर। हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्राचीन इतिहास को कंटिन्यू रखते हैं। प्राचीन इतिहास में हम हड़प्पा काल पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हमें हड़प्पा काल आगे कंटिन्यू रखना है। हमें अभी तक देखा है कि हड़प्पा काल के इतिहास देखा है और उस पर जो उसकी उत्पत्ति पर जो विवाद था वो भी देखा है। सबसे पहला स्थल कौन, किसने खोदा, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं इस क्लास को। तो हम आगे समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल और उसके उत्खननकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं, उस प्रमुख स्थल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या स्रोत मिले हैं जिसके आधार पर इतिहास लिखा गया है, कहाँ से क्या क्या मिला है, ये सब हम इस आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम उत्खनन स्थल देखते हैं, जो साइट देखते हैं, वो देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से क्या क्या मिला है ये जानते हैं दोस्तों। आलमगीरपुर सबसे पहले अवस्थित कहाँ है ये देख लीजिए। आलमगीरपुर इस सभ्यता के सबसे पूर्व में, जो सबसे पूर्व की साइट है, जो सबसे ईस्ट की साइट मिली है वो है आलमगीरपुर दोस्तों। आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इसकी अवस्थिति है सबसे पूर्वी, या वर्तमान में सबसे पूर्वी सीमा बनाता है किसकी, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसके। आगे देखते हैं कि इसमें यहाँ से मिला क्या क्या है। यहाँ पर से सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर कोई भी मोहर नहीं मिली है दोस्तों। क्या नहीं मिली है, मोहर, कोई भी मोहर नहीं मिलती है यहाँ से। क्यों नहीं मिलते दोस्तों, मोहरें क्या होती हैं, व्यापार से जुड़ी रहती हैं। मोहरों का संबंध व्यापार से होता है क्योंकि ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है, और जबकि उस समय पर व्यापार कहाँ चल रहा था, उस समय व्यापार हो रहा था आपका कहाँ पर, तो आप देखोगे कि जो आपके लोथल है जहाँ पर बंदरगाह है, बंदरगाह से क्या विदेशी व्यापार हो रहा था। और जो भी आप देखेंगे स्थल की जो सघनता है वो सिंधु घाटी में है। सिंधु घाटी में आपसी जो व्यापार भी दो तरीके का होता है, आंतरिक व्यापार, एक बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार तो आप मेसोपोटामिया, मिस्र या इन देशों जो दूसरी सभ्यता है उनके साथ हो रहा था, लेकिन आंतरिक व्यापार भी जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बीच में या फिर लोथल के बीच में, इस तरीके से आंतरिक व्यापार भी चल रहा था। सिंधु नदी है उसके माध्यम से भी व्यापार हो रहा था दोस्तों। लेकिन जो ये आपका आलमगीरपुर है, ये पूर्वी तरफ पड़ता है जो कि यमुना के बहुत ही पास है। यमुना के पास जो पड़ता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यमुना के पास पड़ने के वहां पे क्या हो रहा है, व्यापार की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। संभावनाएं कम होने की वजह से वहां पर मोहरे नहीं मिलती दोस्तों। ठीक है, मिलता क्या है यहां से, उत्खनन में मृदभांड और मणके पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, मृदभांड और मणके, बहुत जगह से मिले हैं मृदभांड मणके। कोई स्पेशल, कोई विशेष बात नहीं है दोस्तों। विशेष बात क्या है कि यहाँ से मोहरे नहीं मिली हैं। जो चीज़ नहीं मिली है वो यहाँ पर विशेष है। ठीक है, अब देखते हैं सब अवशेषों में प्राप्त संकेत ये है कि यह अब सभ्यता गंगा यमुना, देखो ये जो आपका क्षेत्र है, जो सॉरी ये साइट है, वो आपको कहाँ मिली है, यमुना के पास मिली है। ऐसा माना गया है कि जो सभ्यता है वो यमुना गंगा दोआब के पास पहुंच चुकी थी। उससे आगे यमुना के, इससे पूर्व में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। गंगा के पास जाने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों आलमगीरपुर में। लेकिन जब आप मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे, तो मोहनजोदड़ो मूवी में जब वहां पर बाढ़ आ जाती है लास्ट में, बाढ़ आने के बाद जो आपके जो हीरो है, जो कैरेक्टर जिसने रोल निभाया है, वो क्या नाम उसका, ऋतिक रोशन ने, कहाँ पहुंचता है लेकिन उनको, तो वो कहता है कि लास्ट में वे पानी पियेंगे और कहेंगे गंगा। लेकिन ध्यान रखना कि गंगा से जो कोई साइट है वो नहीं मिली है गंगा के पास से, सिर्फ यमुना के पास से एक लास्ट आलमगीरपुर, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर ही मिला है दोस्तों। यही इसका सबसे विशेष है आलमगीरपुर के संदर्भ में, कि इसने क्या किया है, पूर्वी सीमा बनाई है हड़प्पा की। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा, सबसे पूर्वी जो आपकी साइट है हड़प्पा का, सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, तो आलमगीरपुर, तो बनवाली। नेक्स्ट देखते हैं बनवाली। बनवाली के बारे में जानते हैं, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार में है दोस्तों। हरियाणा के हिसार में है, हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ पर दो, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर दो चरण मिलते हैं। दो चरण मतलब जब किसी स्थल की खुदाई होती है, मान लो कि ये स्थल है, जब इसकी लंबवत खुदाई हुई, ऐसे लंबवत खुदाई होगी, जब स्थल की लंबवत खुदाई होगी, तो मान लो कि यहाँ पर हड़प्पा के अवशेष मिले, यहाँ पर हड़प्पा के अवशेष मिले, यहाँ पर प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले, ऐसा होगा। एक जैसे जैसे खुदाई होगी, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे, तो एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता बसी होती है। तो प्राक हड़प्पा का मतलब यह है कि ताम्रपाषाण काल, यानी प्राक हड़प्पा क्या है, जो हड़प्पा से पहले, एक परवर्ती हड़प्पा होगी हड़प्पा के बाद। हड़प्पा के बाद कौन सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, मौर्य, ये सब क्या है, महाजनपद काल, सारे के सारे बाद के हैं। पहली सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा, हड़प्पा से पहले ताम्रपाषाण काल, उससे पहले पाषाण काल। तो कहीं कहीं स्थल से ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि एक स्थल पे तीनों
ये तीनों के तीनों मिल जाती हैं। ताम्रपाषाण काल भी मिल जाएगा, हड़प्पा काल भी मिल जाएगा, वैदिक काल भी मिल जाएगा, क्योंकि उस जब जिस समय पे वहां पर मानव रह रहा था, मानव की सभ्यता थी, जब वहां पर विनष्ट हो गई, एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता बस गई, दूसरी सभ्यता के ऊपर तीसरी सभ्यता बस गई, ऐसा संभव है। तो यहां पर कितने चरण मिलते हैं बनवाली में? दो चरण मिलते हैं, प्राग हड़प्पा और हड़प्पा, यहां पर दो चरण मिलेंगे देखने को दोस्तों। यहां पर जब खुदाई हुई है तो दो स्तर मिले हैं, प्राग हड़प्पा काल के भी मिले हैं और हड़प्पा काल के भी स्तर मिले हैं दोस्तों। दोनों दोस्त दो प्रकार के स्तर मिलते हैं। यहां सबसे विशेषता क्या है? यहां की जो गलियां हैं और नालियां हैं व्यवस्थित पाई जाती हैं। यहां की गलियां और नालियां क्या हैं? व्यवस्थित हैं। यहां अच्छे किस्म के जौ, सरसों, राई के साक्ष्य मिले, जो अच्छी किस्म है, जो ज्यादा यील्ड देती है, ज्यादा उत्पादन देती है, तो वो क्या है? यहां पर अच्छे किस्म के जौ, सरसों और राई के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। यहाँ के कई मकान में अग्नि वेदियां मिली हैं। यहाँ पर अग्नि वेदी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो यज्ञ है, यज्ञ होता होगा कर्मकांड के भी, इसको कर्मकांड से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो यज्ञ होता है वो कर्मकांड पर आधारित होता है। आप जानते हो कि कर्मकांड किसको बोलते हैं? जहाँ पर आडंबर देखा जाए, जहाँ पर धर्म में आडंबर हो जाए, कि आप देख रहे हो कि यज्ञ में बलि चढ़ाई जा रही है या फिर यज्ञ में आप जो आहुति दे रहे हो जलकर राख ही हो रहा है दोस्तों, वो किसी भी काम का नहीं है, जल के राख करने जैसी बात है, लेकिन वो कर्मकांड देखने में लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया पंडित जी ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इसको कर्मकांड बोलते हैं। तो जो यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, संभवतः ऐसा माना जाता है जो हड़प्पाई लोग थे वो कर्मकांडी थे, कर्मकांड पर विश्वास रखते थे। आगे बढ़ते, क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, यज्ञ के प्रमाण मिले हैं। ये यज्ञ के प्रमाण आगे जाके वैदिक सभ्यता से जुड़ेंगे, जब मैं आगे पढ़ाता रहूंगा, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर खिलौना मिला है, किसका? हल्का खिलौना मिला है। तो जब हल्का खिलौना मिला है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग कृषि जानते थे, तभी तो हल मिला है। हल्का संबंध किससे है? कृषि से। तो जब हल्का खिलौना है तो संभवतः ये कृषि भी करते थे, और जो करते थे, जो साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जो क्या है, राई क्या है, सरसों क्या है, कृषि तो है, तो कृषि में ये लिप्त थे। कृषि और व्यापार इनके अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कालीबंगा नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। वर्तमान में ये राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ के जिले में अवस्थित है। हनुमानगढ़ है वो कहाँ है? राजस्थान में, उस जिले में अवस्थित है आपका कालीबंगा, ठीक है। ये छह महानगरों में से एक है। छह महानगर हमें भी आगे पढ़ेंगे, पहले उन नगरों में से एक है जो आपके सिंधु सभ्यता है, उसमें छह प्रमुख नगर हैं, तो उन छह प्रमुख नगर में इसका भी नाम आता है, कालीबंगा का भी, ठीक है। यहाँ से हल से खेती के चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर जो हल से खेती की गई है, मान लो हल पर ऐसे चलता है, हल जमीन पर, तो उसकी लाइनिंग मिली है खुदाई में। जो हल से की गई जो लाइनिंग है, तो हल से की गई जो लाइनिंग या फिर जो खेती है, उसके चिन्ह प्राप्त हुए कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ धान्य कोठार, जो धन को, जो आपका अनाज जो एक्स्ट्रा होता है, जो सरप्लस होता है, उसको जो हम सेव करते हैं, उसको बोलते हैं धान्य कोठार। जो हमारे आज भी गवर्नमेंट क्या करती है, जो हम सरप्लस उगाते हैं, उनको आने वाले समय के लिए यदि कोई दिक्कत हो जाए, यानी कोई इस तरह अभी महामारी आई थी, कोरोना महामारी, तो सरकार ने क्या किया? मुफ्त अनाज आपको प्रोवाइड कराया। कहाँ से करा दिया मुफ्त अनाज प्रोवाइड? क्योंकि उनके पास कोठार हैं, बने बने बड़े बड़े धान के क्या हैं, पूरे के पूरे गोदाम बने हुए हैं। उन गोदाम से क्या आपको सप्लाई मिली? क्योंकि वो क्या है, ताकि कोई आपदा आ जाए उसके लिए सेविंग करके रखी है गवर्नमेंट ने, कि कोई भूखा ना मरे, उसके लिए अनाज को हमने पहले सेव किया हुआ है, इसीलिए क्या है, इसे धान्य कोठार बोलते हैं। तो किसके यहाँ किस कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा में इसके साक्ष्य मिले हैं धान्य कोठार के, ठीक है। यहाँ के घरों में क्या अपने अपने कुएं हैं, ये सबसे विशेष बात है। इस जो ये साइट है कालीबंगा, इसकी सबसे विशेष बात क्या है कि यहाँ के जो घर हैं उसमें अपने अपने क्या मिले हैं? कुएं मिले हैं। सभी घरों में अपने कुएं हैं। आज के समय में भी सबके घर में अपने नलके नहीं होते, उस समय में यहाँ पर सबके घर में कुएं हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि जहाँ आज भी आधुनिक समय में भी जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की हम डींगे हाँकते हैं, उस समय भी आपके घर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों के पास घर घर में उस समय कुएं थे। कुआं खुदवाना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ना कि कोई बोरवेल करवाना। कुआं खुदवाने में ज़्यादा आपको आज एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उस समय भी क्या घर घर में कुएं थे, ये इस कालीबंगा की विशेष बात है। और इसके साथ एक विशेष बात और जुड़ जाती है, जो ये कुएं थे इनमें पानी कहाँ से आता था? तो ये कोई इनका को जो पानी है भूजल का नहीं था। कैसा नहीं था? भूजल नहीं था, वो भूमि का जल नहीं था। वो कैसा था? वो पानी आता था नदियों से।
कैसे आता था दोस्तों? नदियों से आता था, नदियों के द्वारा नालियां बनाई गई, नालियों के द्वारा कुएं में पानी आता था, नदी के नदी से, नदी इसका स्रोत था और पानी जाता था कहां पर? कुओं में। तो नदी नदी जो नदी से जो पानी आता नालियों के द्वारा आता था और इन कुओं में छोड़ दिया जाता था। इसके माध्यम से ही यहां पर क्या घरों के जो कुएं हैं उनमें पानी आया करता था दोस्तों। कितना मतलब कितना ब्रिलियंट आइडिया था, और फिल्टर होके आता था पानी बाकायदा, क्योंकि पानी फिल्टर इसलिए आता कि जो जो कुएं की संरचना थी इस तरीके से बनाई गई थी ताकि पानी को डायरेक्ट ना छोड़ के धीरे धीरे पानी क्या करे रिसे, पानी रिसने की प्रक्रिया को ही फिल्ट्रेशन हम आज के भी कहते हैं, क्योंकि पानी को धीरे धीरे किसी चीज़ से गुजारना फिल्ट्रेशन हुआ। तो फिल्ट्रेशन के माध्यम से पानी आता था, फिल्टर पानी कह सकते हो आप एक तरीके से आता था। यहां से आयताकार अग्नि स्तंभ वाले चबूतरे मिले हैं, जो आयताकार होते हैं आयताकार वाले क्या मिले हैं? अग्नि स्तंभ मिले हैं, अग्नि स्तंभ मिले हैं यार। वही मैंने कहा जो साक्ष्य जोड़ा है कि यहां पर क्रम कांड की प्रक्रिया है, यहां पर यज्ञ की प्रक्रिया है, यहां सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य भी साक्ष्यों का अभाव मिला है दोस्तों। ये इसकी एक विशेष विशेषता हो जाती है कि इतना होने के बाद भी यहां पर घरों में कुएं तो हैं लेकिन सार्वजनिक जो नालियां हैं उसके साक्ष्य नहीं मिलते दोस्तों। कहां से? कालीबंगा से। किस ऐसे किस क्षेत्र से, किस हड़प्पा क्षेत्र से किसके साक्ष्य नहीं मिलते, सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो वो क्या है? वो है आपका कालीबंगा। नेक्स्ट साइट देखते हैं दोस्तों, मांडा। मांडा आप जानते होंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी जो साइट है, जो जिसकी सीमा है सबसे उत्तरी सीमा, उस उत्तरी सीमा पर कौन पड़ता है? मांडा। मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर में है, जम्मू कश्मीर के अखनूर के समीप पड़ता है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है देख लीजिए, कि इसकी विशेषता है कि इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, और साथ ही ये क्या बनाता है? उत्तरी सीमा बनाता है। मैंने अभी बताया कि ये क्या बनाता है? हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। देखिए ये कश्मीर क्षेत्र का स्थित एकमात्र स्थल है कश्मीर में, इसके अलावा यानी मांडा के अलावा हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं मिला है। जो कश्मीर में जो हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ एकमात्र स्थल है दोस्तों उसका नाम है मांडा, ठीक है दोस्तों। और भी कोई कोई स्थल जो हड़प्पा काल से संबंधित है वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिला है, ऐसी कोई साइट नहीं मिली है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ परवर्ती काल मतलब परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जो मतलब हड़प्पा के बाद की संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति, उसके साक्ष्य। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का मतलब होता है हड़प्पा के बाद की संस्कृति, जो हड़प्पा के बाद बसी हो उसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा काल के भी, परवर्ती हड़प्पा काल के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं राखीगढ़ी, राखीगढ़ी या कुनाल, तो देखते हैं ये कहाँ पर है। ये भी हिसार जिले में है आपका, हरियाणा में, हरियाणा में हिसार जिले में अवस्थित है, इसकी स्थिति भी हरियाणा में ही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि ये क्या है, ये सेंधो सभ्यता का अनेक शिल्प से जुड़ा हुआ है, शिल्प कार्य, जैसे कि मतलब आपका मटके बनाना या फिर किसी लकड़ी का कोई काम करना, मिट्टी का कोई काम करना, इनको क्या है कोई मूर्ति बनाना, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? शिल्प कार्य कहलाते हैं। जिससे कुछ बनता हो, जैसे कोई मूर्ति बनती हो, कोई चित्र बनता हो, या फिर कोई आपने मृदभांड बनाई है, ये बनते हो क्या बना है, तो ये किसी तरीके से इनको बोलते हैं शिल्प कार्य, किसी चीज का निर्माण करना ही शिल्प कहलाता है, शिल्प कार्य कहलाता है। तो सेंधो सभ्यता के अनेक शिल्प कहां से जुड़े हुए हैं? इसी से जुड़े हुए हैं, किसी राखीगढ़ी से, ठीक है दोस्तों। सबसे बढ़कर क्या है, मीताथल की भांति यहां से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा, ध्यान रखना दो तीन स्थल ऐसे हैं जहां पर तीनों स्तर पाए जाते हैं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, उनमें से एक राखीगढ़ी है। तो देखिए यहां पर किसके, प्राक हड़प्पा के भी, हड़प्पा के भी और परवर्ती हड़प्पा के भी क्या मिले हैं? तीनों चरण मिले हैं। तीनों चरण जब यहाँ खुदाई हुई तो खुदाई में तीनों सभ्यताएं मिली हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और पर्वतीय हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं? एक तो राखीगढ़ी है और एक उसमें मीताथल है, ठीक है दोस्तों। एक और साइट आएगी, अभी आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसका, अभी तक की जो इतने भी खुदाई उसके अनुसार क्या है, ये भारत का ज्ञात सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है अब तक का, वर्तमान तक का, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तक का भी, अभी तक का भी क्या है, वर्तमान में भी ये भारत का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। इससे बड़ी साइट अभी तक हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली है दोस्तों।
ठीक है। यहां से चांदी के दो मुकुट पाए गए हैं दोस्तों, क्या मिले हैं यहां पर, चांदी के दो मुकुट पाए गए हैं। इससे संभावना लगाई गई है कि ये जो हड़प्पाई लोग थे चांदी से अवगत थे, इन लोगों को चांदी के बारे में जानकारी थी, तभी तो चांदी के मुकुट मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूत कांगेडोर जो आपका है वो सूत कांगेडोर पड़ेगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें पड़ता है आपका सूत कांगेडोर इस जो सभ्यता है उसकी पश्चिमी सीमा को निर्धारण करता है। सूत कांगेडोर हड़प्पा काल जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा जहां तक है उसका निर्धारण करता है आपका सूत कांगेडोर। ये दास नदी पर पड़ेगा, ठीक है, दास नदी के पूर्वी तट पर पड़ेगा और जो हड़प्पा का है सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है। हड़प्पा के जो प्रमुख बंदरगाह से एक था, यहां पर जो हड़प्पा के बंदरगाह हैं उनमें से प्रमुख था एक, कौन, सूत कांगेडोर उनमें से एक है। यह बंदरगाह नगर प्रकृति की चट्टान पर, प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित है। ये बंदरगाह जो नगर है जो प्राकृतिक चट्टानों के द्वारा, जो आपको देखते हो ना प्राकृतिक बंदरगाह जो आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। जो यहाँ पर 1962 में डेल्स गए थे तो यहाँ पर उन्होंने दुर्ग बंदरगाह आदि के बारे में सर्वेक्षण किया था, जो डेल्स गए थे। ये कोई खास जानकारी नहीं है, जो आपको ध्यान रखना है ये प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है, दास नदी के ऊपर पश्चिमी सीमा बनाता है दोस्तों, किसकी, हड़प्पा काल की, इतने ही आपको ध्यान रखना है सूत कांगेडोर से। आगे देखो मोहनजोदड़ो, इसमें देखो वर्तमान में कहां पर है, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसमें इसकी स्थिति है, पाकिस्तान के कौन से सिंध प्रांत में इसकी स्थिति है। और ये जो ये स्थल है जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित नगरों में से एक था, ध्यान रखना, सबसे विकसित, सबसे प्रमुख जो छह नगर हैं उनमें से सबसे विकसित नगरों में से एक है आपका मोहनजोदड़ो। यहां से कई महत्वपूर्ण क्या मिला है, यहां से कई महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं वो मिली हैं, जैसे कि क्या, कांसे की बनी नृत्यकी, या कांसे की बनी नृत्यकी की मूर्ति, जो कांसे की बनी नृत्यकी की मूर्ति है, ये कैसी मूर्ति है ये देखोगे तो आपको सिर्फ इन्होंने, इसने क्या किया हुआ है, इसका सिंगार और रखा है और ये कंगन पहने हुए हैं, पेजैब जो पाजेब है वो पहने हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से नग्न है। इस तरीके से आप देखोगे जो कांसे की नृत्य की मूर्ति मिलती है, कुछ लोग या कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि संभवतः यह मात्र सत्तात्मक क्या रही होगी, सभ्यता रही होगी, मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। लेकिन जब इस तरीके की चीजें मिलती हैं, जो नृत्य की मूर्ति मिली है वो नग्न अवस्था में मिलती है, तो इस तरीके से लगे कि यहाँ पर वैश्यवृत्ति हावी थी, तो ये समाज मात्र सत्तात्मक समाज नहीं हो सकता जहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे, सूती वस्त्र पर अंकित मुद्रांकन, जो सूती वस्त्र है उस पर जो अंकित, मतलब जो मुद्रांकन है, जो चित्र बनाए गए, जो पेंटिंग है वो किस तरीके से मुद्रांकन, दो तरीके से पेंटिंग होती है, एक तो आप जो प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग जो मशीन होती है उसमें डाल दो, प्रिंट हो जाता है, आके आपकी जो साड़ी है उस पर प्रिंट हो जाएगा। एक तरीका ये होता है कि आप एक स्टैंप बना लो और उस पर आकर उसको क्या कर दो, ठप्पा मार दो, तो वो भी प्रिंट कहलाएगा। तो ये लोग किसको जानते थे, सूती वस्त्र पर अंकित करना, मुद्रांकन को अंकित करना जानते थे, यानी ठप्पा मारना जानते थे दोस्तों। इससे क्या है, सूती वस्त्र पर ये क्या करते थे, जो प्रिंटिंग करते थे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट और चीज मिली है, वो है एक योगी की मूर्ति। योगी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे जाकर जो सर जॉन मार्शल ने इसको जोड़ दिया है, किसे, जो सर जॉन मार्शल ने इसको जोड़ा है जाके आदि शिव से, इसको आदि शिव से जो जोड़ दिया है, कि जो हमारे जो योगी हैं, जो आदि योगी हैं उनको हम बोलते हैं शिव, तो शिव को जोड़कर इनको देखा गया है कि जो हड़प्पाई लोग थे वो शिव की पूजा करते थे, वो शिव पूजक थे। तो कहां से, क्योंकि यहां पर किसकी मूर्ति मिली है, आदि योगी की मूर्ति मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। यहां से मेसोपोटामिया की मोहरे मिली है, जो हम इस बात का साथ, जब यहां पर मोहरे मिली किसकी, मेसोपोटामिया सभ्यता की, तो मोहरे किससे संबंधित, मैंने बताया कई बार मोहरे किससे, व्यापार से संबंधित होती है, तो इसी से एक अंदाजा लगाया गया कि ये लोग क्या करते हैं, करते थे कि हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया से क्या करते थे, व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की कुछ मोहरे इस स्थल से, कहां से, मोहनजोदड़ो से मिली हैं, या मोहनजोदड़ो से मिली हैं कुछ मोहरे, या कुछ साक्ष्य मेसोपोटामिया से भी मिले हैं, कि जो जिससे वो हड़प्पा से व्यापार करते थे, कुछ नाम वहां पर भी आए हैं दोस्तों, वो भी हम आगे देखेंगे। तो मोहरे मिली है, मोहनजोदड़ो सबसे उल्लेखनीय इमारत कौन सी है दोस्तों, वहां का स्नानागार, जो पूरी हड़प्पा काल की सबसे उल्लेखनीय इमारतों में से एक आती है आपका, कौन सा,
स्नानागार जो कहां पर है, मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जितने भी मैंने आपको चीजें दिखाई हैं ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा। आप जरा सी गलती कर दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो एक एक चीज ध्यान से देखते रहो, मेरे साथ बढ़ते रहो। ये फर्स्ट क्लास है, इसमें सांस लेने की भी हमको इजाजत नहीं है। आपको एक तरीके से एक पूरे फास्ट तरीके से पढ़ना है इतिहास को, एक बहुत फास्ट तरीके से चलना है हमें लेके। आगे देखिए हड़प्पा, हड़प्पा देखिए, हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा कहां पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान की रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है, रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। पाकिस्तान के पश्चिमी जो पंजाब है वो पंजाब किसके पास है आपका, वो आपका पाकिस्तान के पास है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी, जो भी मतलब सबसे पहला जो साइट खुली है हड़प्पा की, जो मतलब जो सभ्यता है उसकी सबसे पहली साइट कौन सी थी, तो हड़प्पा ही है। हड़प्पा स्थल को ही सबसे पहले खोदा गया था, किसके द्वारा खोदा गया, दयाराम साहनी द्वारा, किसके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के, जो निर्देशक थे पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक रहे हैं, ठीक है, उस समय पे थे। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से एक पूर्व नियोजित नगर के होने के जल निकासी की व्यवस्था, मोहरे बांट आदि के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। यहां पर पूर्व जिसको बोलते हैं पूर्व नियोजित, आज के शहर जो बसाए जाते हैं पहले क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो शहर बसाए जाते हैं आज के समय में पहले क्या होंगी, सड़कें बनेंगी, फिर वहां पर क्या लगेंगे, खंबे लगेंगे, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होगी, उसके बाद नगर बसाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं सुव्यवस्थित नगर नियोजन, यानी नगर नियोजन का मतलब जो सिटी प्लानिंग है, जो सिटी प्लानिंग होती है वो पहले होती है, पहले आपको हर चीजें बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उसके बाद नगर बसाए जाएंगे। ऐसे साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। पहले वहां पर क्या सुव्यवस्थित तरीके से नगर बसाए गए हैं, ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे को सड़कें काट रही हैं। आज के समय में भी देखोगे तो आपके जो जो आपके नगर बसे हैं कितने ग्रिड पद्धति पर हैं, मुश्किल ही 1-2% भी नहीं होंगे। सबके सब किस तरीके से हैं, टेढ़े मेढ़े, कोई कहीं, किसी ने घर कहीं पे बना लिया, किसी ने कहीं घर कहीं पे बना लिया, सड़कें ऐसे जा रही हैं लहरती हुई। लेकिन जो आप हड़प्पा काल की सड़कें देखोगे आज से 4000 ईसा पूर्व भी, उनकी सड़कें कैसी कटी हुई हैं, ग्रिड पद्धति पर कटी हुई हैं। आज की सरकारों को भी यहां से सबक लेना चाहिए कि पहले नगर नियोजन हो तो स्लम जैसी स्थिति नहीं आएगी। अगर नगर नियोजन होगा तो स्लम्स नहीं बनेंगे, गंदगी नहीं फैलेगी, तो स्वास्थ्य सही रहेगा दोस्तों। आपको भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। हम उतने पहले, हमारी बौद्धिक विकास हो चुका था आज से 4000 साल पहले, और आज हम आज भी किस चीज पर लड़ते हैं, आज भी वोटिंग करते हैं, हम धर्म को ध्यान में रखते हैं, ना कि किसी व्यवस्था को। यहां पर देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, निकासी की व्यवस्था भी यहां पर क्या कर दी गई है, पहले से ही कर दी गई है निकासी की व्यवस्था भी, ठीक है। मोहरे बांट आदि का क्या क्या है प्रमाण मिलते हैं, किसके मोहरे और बांट आदि के भी कहां से प्रमाण मिले हैं, तो हड़प्पा से प्रमाण मिले हैं। मोहरे बांट किस में काम आएंगे, व्यापार में काम आएंगे, तो ये सभ्यता किस में, व्यापार में भी लिप्त है, मैं बार बार बता चुका हूं। आगे देखिए चनूदड़ो देखिए, यह वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। आगे देखिए, यह स्थल संभवतः बर्तन मनके आदि के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहां पर क्या मिला है, इस स्थल के बर्तन मनका आदि निर्माण के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहां पर क्या मिले हैं दोस्तों, साक्ष्य, किसके, बर्तन मनका आदि के निर्माण के क्या पर यहां मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि क्योंकि यहां पर ये जो बर्तन है और उनका मनका है, उनके बनाने के लिए प्रसिद्ध उनके बनाने के लिए प्रसिद्ध जो साइट है वो क्या है, चनूदड़ो। चनूदड़ो से भी क्या मिले हैं, यहाँ पर फैक्ट्री मिली है किसकी, बर्तन और मनका बनाने की। यहाँ एकमात्र स्थल था जहां से मुड़ी हुई ईंटें, किसकी, मुड़ी हुई ईंटों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है चनूदड़ो से, कि यहाँ पर की जो स्थल की है, जो किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते, किसके साक्ष्य नहीं मिलते दोस्तों, किलाबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। जब हम पढ़ेंगे जो इसके नगर, जब हम इसके नगर पढ़ेंगे कि नगर कैसे थे, तो उछला नगर निचला नगर, तो उस उछले नगर निचले नगर में क्या होती थी दोस्तों, दो भागों में बंटा था नगर, एक दुर्ग नगर, दुर्ग कहलाता था जो ऊंचा बसा था, और एक नीचे जो सामान्य लोग रहते थे, तो नीचे रहते थे उसमें इलिट क्लास रहती थी, नीचे एक जो निम्न क्लास रहते, निम्न क्लास के लोग या निम्न वर्ग के लोग रहते थे वो निचले नगर में रहते थे। तो जो ऊंचा नगर था, जो ऊपर ऊंचाई पर बसा था, जो ऊंचाई हो या दुर्ग वाला नगर था, उसकी किलेबंदी होती थी।
उसकी क्या होती थी, किलेबंदी हो गया करती थी, चारों तरफ से वो क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, किलेबंदी बोलते हैं दोस्तों। तो उसके साक्ष्य कहाँ से नहीं मिलते, तो चनूतड़ों से उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यह एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र था, क्यों मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर बर्तन और मनका लगाने मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है, तो जो फैक्ट्री होती है वो औद्योगिक क्षेत्र में होती है, तो ये कैसा क्षेत्र कहलाएगा, औद्योगिक केंद्र कहलाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने समय ना गवाते हुए नेक्स्ट साइड पर, धोलावीरा। तो धोलावीरा कहां पर स्थित है दोस्तों, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र के बचाव तालुके में स्थित है, ठीक है। कहां पर, गुजरात के कच्छ क्षेत्र के बचाव तालुके में स्थित है दोस्तों। इस स्थल के त्रिस्तरीय विभाजन पाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता क्या है, त्रिस्तरीय विभाजन पाया गया है। कैसा वायु विभाजन है दोस्तों, ये बताऊंगा मैं आपको जब आपको नगर बताऊंगा कि नगर कैसे बसे हैं, तो उसमें बताऊंगा कि यह त्रिस्तरीय विभाजन कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस स्थल में 16 जलाशय मिले हैं जो जल को संरक्षित करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, यानी जो बारिश का वर्षा का जो जल है उसको संरक्षित करना जलाशय कहलाता है। यहाँ पर कितने 16 जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हड़प्पा काल के लोग कितना जो वाटर है उसको संरक्षित करने के लिए भी कितने अवेयर थे, कितने उसको ध्यान में रखा हुआ है कि वाटर को कितना संरक्षित करना है उनके जहन में, उनके मन में। आज भी हम वाटर को संरक्षित नहीं करते, खुले टंकी छोड़ देते हैं तो चल रहा है पानी, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी का बहुत स्रोत है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस समय भी जिस समय पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये लोग पानी को संरक्षित करें, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने पानी को संरक्षित किया। 16 जलाशयों का यहां पर क्या मिला है, प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहां की जल प्रबंध व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट थी। तो किस स्थल की या किस साइट की जो हड़प्पा काल में सबसे उत्कृष्ट जल व्यवस्था पाई जाती है, तो वो क्या है, धोलावीरा दोस्तों। क्या है, धोलावीरा। यहां से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं, यानी पत्थर, पालिशदार पत्थर मिले हैं जो शायद स्तंभ के रूप में, यानी जो पत्थर हैं जो टूटे हुए खंड मिले हैं, स्तंभ काय के बनाए जाते हैं, जो पिलर बनाए जाते हैं वो पत्थरों के पिलर बनाए जाते हैं। तो ऐसा मतलब इस जो पाषाण जो पालिशदार पाषाण जो पत्थर के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, इसे एक अंदाजा लगाया गया है कि शायद ये क्या बनाए हो गए होंगे, स्तंभ के रूप में प्रयोग किए गए होंगे, स्तंभ के रूप में प्रयोग। यहाँ सैंधव लिपि की भी साक्ष्य मिले हैं, जो सैंधव लिपि के साक्ष्य काफी जगह से मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी क्या मिले हैं, सैंधव लिपि के जो क्या है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलो आगे चलते हैं, रंगपुर। रंगपुर यह गुजरात के कहां पड़ता है, अहमदाबाद के निकट स्थित है। कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद के निकट स्थित है। तो देखिए यहां पर सैंधव सभ्यता का आर्थिक पहलू से संबंधित जानकारी मिलती है, सैंधव सभ्यता के कैसे आर्थिक पहलू की जानकारी कहां से मिलती है, रंगपुर से मिलती है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा था कि मीठाथल, राखीगढ़ी और आपका रंगपुर, ये तीनों ऐसे स्थल हैं दोस्तों हड़प्पा काल के कि यहाँ पर तीनों सभ्यताएं मिलती हैं। तीन चरण के खुदाई करते हैं तो तीन चरण मिलते हैं। तो पहला मिलता है पर्वतीय हड़प्पा, क्योंकि आप जो सबसे लास्ट में जो संस्कृति बसी होगी, यानी जब आप खुदाई करोगे किसी स्थल की तो ऊपर से करोगे, तो जो सबसे लास्ट में संस्कृति, जो सबसे लास्ट काल है वो संस्कृति सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद की संस्कृति आएगी, फिर उसके बाद की संस्कृति आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय हड़प्पा। हड़प्पा के बाद की संस्कृति सबसे पहले मिलेगी खुदाई करोगे तो, फिर उसके बाद मिलेगी हड़प्पा संस्कृति, फिर मिलेगी आपको प्राग हड़प्पा। तो ऐसे जाएगी, पहले मिलेगी आपको पर्वतीय हड़प्पा, फिर हड़प्पा, फिर प्राग हड़प्पा। तो यहां पर तीन स्थल मैंने बताए, मीठाथल और आपकी राखीगढ़ी और आपका रंगपुर, तीनों से तीनों चरण मिलते हैं। खुदाई हुई तो तीनों से तीन चरण मिले हैं, हड़प्पा, प्राग हड़प्पा, पर्वतीय हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। तो तीनों से ही मिले हैं, सिर्फ यही स्थल है जहां पर आपको तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली है, धान की भूसी। धान की भूसी के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं दोस्तों, ठीक है, आप समझ गए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, समय न गवाते हुए चलते हैं लोथल। लोथल पे क्या है, आपको देखना है कि कहां पर अवस्थित है। तो ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में खरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। गुजरात राज्य की जो अहमदाबाद जिला है उसके बाद कौन सी, खरगवल ग्राम में क्या, उसके समीप यह स्थल मिला है, सैंधव सभ्यता का यह स्थल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है, वो है गोदीवाड़ा।
तो क्या है, यहाँ से एक विशाल गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है जिसे विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा का नाम दिया गया है, विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग बंदरगाहों में सामान लादने, इसका प्रयोग जो बंदरगाह होते हैं दोस्तों वहां पर गोदीवाड़ा पाया था। गोदीवाड़ा मतलब एक तरीके से जहां पर मान लो कि कोई जहाज आ रहे हैं पानी के जहाज, तो सामान लेके आए तो उस सामान को जहां रखा जाता है उसको बोलते हैं गोदीवाड़ा। ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा कंटेनर आया डायरेक्ट आपने फैक्ट्री में पहुंचा दिया या फिर जिसको जिसको चाहिए था उस व्यापारी को पहुंचा दिया, उसको रखने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए जिसमें टीन शेड पड़ी रहती है, तो उसको बोलते हैं हम गोदीवाड़ा, जहां पर सामान रखा जाता है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये गोदीवाड़ा है। तो विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा कहां पर पाया जाता है, सिंधु सभ्यता में लोथल में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग बंदरगाह में क्या होता, सामान लादने उतारने में किया जाता है। यहां पर मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं, यहां पर क्या मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या है, आज हमने प्रमुख स्थल कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास चलेगी हमारे सामाजिक वर्ग, अर्थव्यवस्था, हड़प्पा काल की, हड़प्पा काल का धर्म, इन सब पर हम क्लास करेंगे। तो जैसे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, आगे भी जुड़े रहिए, और हम जल्द से जल्द क्या करेंगे, प्राचीन जो प्राचीन काल है उसको जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। ऐसे ही हम फटाफट फास्ट क्लास लेंगे ताकि आपका भी रिविजन जल्दी हो, आप भी फटाफट रिविजन चीजों को कर लें और हम भी आपको फटाफट क्लास दें ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी हो, आप भी जल्दी से आप सिलेक्शन लो, आपका भी जल्द से जल्द किसी ना किसी चीज में सिलेक्शन होगा, तभी तो हम आपको, आप हमको दुआई देंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए द मैक क्लासेस में। धन्यवाद।